तमिलनाडु और सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, हम अपनी समस्या बता रहे भाई बिल्कुल। 20 million residents of New Delhi are breathing smog. Any suffering to any exploitation, any suffering of a child is a lowest. नमस्कार, अगले 24 घंटे के लिए अभिषेक मल्हान बने। For the next 24 hours, Abhishek is the chief minister and calling for help. नमस्कार, अगले 24 घंटे के लिए अभिषेक मल्हान बने दिल्ली के मुख्यमंत्री। 24 hours, 7 major problems. और आज की वीडियो में मैं बना हूँ सीएम और मैं सॉल्व करने वाला हूँ इन सभी को जितना मैं कर सकता हूँ। Starting with the major problem, pollution. We breathing poison in Delhi. Every 2 minutes, one person dies due to air pollution in. जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो एक दिन में 50 सिगरेट स्मोक करने जितना पॉल्यूशन इनहेल कर लेते हैं। प्लांट ट्रीज, एक पेड़ लगाने से क्या फर्क पड़ता है? एक पेड़ एयर को प्योरीफाई तो करता ही है एंड एनवायरनमेंट को भी डस्ट फ्री करने में हेल्प करता है। तो मैंने डिसाइड करा मैं लगाऊंगा 10,000 पेड़ ऑल ओवर दिल्ली। प्लांट नंबर 1 डन। ऐसे अकेले पेड़ लगाने जाऊंगा तो भाई एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, एक साल लगेगा। इसलिए मैंने बुलाया अपने सब्सक्राइबर्स और इनके साथ मिलकर हम पेड़ लगाएंगे हर जगह ऑल ओवर दिल्ली, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है ग्रीन दिल्ली। आज से पहले आपने कितने पेड़ लगाए हैं? एक। किसके साथ? चाचू के साथ लगाया है। और मैं क्या हूँ? भैया। मैं सबका भैया। 10,000 पेड़ कंप्लीट करने हैं आज के दिन में, लेट्स गो। आज से पहले पेड़ लगाया कभी? कितने? 10 पेड़ लगाए हैं, आज 10,000 लगाने हैं। अब मैंने बोल तो दिया था बट वी वर वेरी स्लो, वी जस्ट प्लांटेड 100 ट्रीज इन एन आवर। सो आई कॉल्ड एन एनजीओ जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार थे। तो वृक्षित फाउंडेशन हमारी हेल्प करने वाली है बाकी के 9,900 पेड़ लगाने के लिए। तो भाई स्पीड अप कर देना, बी फॉर वृक्षित, लेट्स गो, चलो लेट्स गो। एंड विद द हेल्प ऑफ वृक्षित फाउंडेशंस देखते ही देखते पेड़ बढ़ने लगे। ये है हमारा आज का पेड़ नंबर 430। टीम पांडा गैंग और वृक्षित फाउंडेशन ने यहाँ पर कुछ ही समय में 500 पेड़ लगा दिए। बट अब हम जाने वाले ऑल ओवर दिल्ली, हम इनको भेजेंगे दूसरी डायरेक्शंस में नॉर्थ वेस्ट और इनको भेजेंगे ईस्ट साउथ और ये जाएंगे पूरी दिल्ली में पेड़ लगाएंगे। यहाँ से मैं जाऊंगा आगे कुछ और सीएम की ड्यूटीज करने, बट तुम लोगों ने टीम ट्रीज को बढ़ाते रहना है। तो लेट्स गो, हम जा रहे हैं वेस्ट और ईस्ट दिल्ली, ठीक है? सो ईस्ट और वेस्ट, वी आर दी बेस्ट, वी आर दी बेस्ट। हाउस सारे पेड़ एक दिन में लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो हमने डिसाइड करा हम करेंगे पेड़ों का गिव अवे और लोगों की लेंगे हेल्प और उनको बोलेंगे अपने अपने घर जाओ और एक एक पेड़ आप भी लगाओ। लॉन्ग गर्ल जी, आपके लिए पौधा घर में लगाना है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच अंकल। मेरी गुड विशेस आपके साथ, थैंक यू सो मच अंकल। आप हमेशा करते रहिए, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच अंकल। ऑफ कोर्स आई डिडंट प्लान दैट, वी विश कि आप ये अपने घर पे लगाओ और इसे एक ट्री बनाओ पूरा। बिल्कुल, वी विश कि आप एक ये प्लांट पेड़ बन जाए, प्लांट करे और इसकी केयर करे और इसको एक बड़ा सा प्लांट बनाए, ठीक है? पौधा घर लगाना है, पौधे लगाने हैं, औरों को भी लगाओ, मिशन प्लांट बांटो। और ये दूसरा आप बांट देना। वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए हैं, सबको ग्रीनरी फैलाने का इतना ज्यादा क्रेज है। हमारा काम खत्म हो गया और हम जा रहे हैं घर, बाय बाय। 3,24,000, आप लोग सोच लोगे ये नंबर क्या है? ये वो लेडीज का नंबर है जो डोमेस्टिक वायलेंस से आज भी जूझ रही है। हमारे यहाँ पे सारी साइकेट्री पेशेंट महिलाएं यहाँ पे रहती हैं, पुलिस के द्वारा भी आती हैं, हॉस्पिटल के द्वारा भी आती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली महिलाएं जो जिनके पास काम नहीं है। तो ये है कहानी एक दिल्ली के महिला आशियाने की, जहाँ पर ऐसी बहुत सारी विमेन है जिनकी आज हम मदद करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट मिशन हमारा होने वाला है विमेन एम्पावरमेंट, जिसके लिए हम 50 सिलाई मशीन बांटने वाले हैं। और इसके लिए मैं अकेला नहीं जाने वाला, मेरे साथ जाने वाली है मेरी पूरी टीम। आई नो आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, सीएम बनना आसान नहीं है, टास्क बहुत सारे हैं, ऑन फील्ड जाके काम करना पड़ेगा, ऊपर से ये दिल्ली की गर्मी। बट भाई हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देखते। तो मैं यूज करने वाला हूँ मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, जिसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी जो एब्जॉर्ब करता है मेरे स्किन के एक्सेस ऑयल को, फाइट करता है विद एक्ने। इसके अंदर है बल्गेरियन रोज जो हेल्प करता है मेरे स्किन को हाइड्रेशन में एंड इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ओवर ड्राइंग। तो हमने अपने ऑयली फेस को टिश्यू से डैप करने के बाद मामा अर्थ का फेस वॉश यूज करा सर्कुलर मोशन में एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। तो आप लोग भी अपनी ऑयली स्किन की कंप्लेंट करने की जगह यूज कर सकते हो मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस
फेस मास्क जो आपकी वीकली फेस पैक लगाने वाले प्रोसेस को आसान कर देता है, स्पेशली फॉर दोस स्पेशल स्किन केयर डेज जब आप एक फेस मास्क लगाते हो। भाई समय बहुत कम है और काम हमारे को बहुत ज्यादा करना है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेप लेना, बिकॉज मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी लेडीज है अपने घर पे होती है वो मतलब काम करे, इंडिपेंडेंट रहे, कभी भी किसी मेल पे डिपेंडेंट ना हो, हमेशा जैसे हमेशा बोलते वन मैन आर्मी, तो विमेन भी ऐसा होना चाहिए, वन विमेन आर्मी। तो हमने वहाँ 50 महिलाओं को सिलाई मशीन दी जिसको यूज करके वो पैसा कमा सकती है। एंड आई हैड नो आइडिया कि बस एक सिलाई मशीन से उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी आ सकती है। सर मैं इस दिन के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि आप मुझे कोई रोजी रोटी का जरिया मिले। मैं इन सिलाई मशीनों से कपड़े और मतलब जो भी मेरे से मतलब बन जाएगा उनके मतलब सीख कर मैं रोजी रोटी कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर सबको सिलाई मशीन दे दी है एंड आई नो आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, आप अपने लिए चीजें बनाने वाले हो, बट मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए, इस चीज को आपने यूज करके एक बिजनेस बनाना है, आपने YouTube पे जाना है तो वहाँ पर आप सीखो कि आप इन मशीन को यूज करके क्या चीजें बना सकते हो जो आप मार्केट में बेच सकते हो। आप कभी भी हमारे से बात कर सकते हो, आपके पास हमारी टीम का नंबर है, मेक श्योर आप लोग इससे एक बिजनेस बनाओ। आज भी हम लोग लापरवाही कर जाते हैं और कुछ भी खा के रैपर्स को इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत लोग हैं जो फिर भी दो बार सोच लेते हैं और रैपर नहीं फेंकते, स्वच्छ भारत अभियान के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, बट बहुत लोग हैं जो लापरवाही कर जाते हैं और रैपर्स इधर उधर फेंक देते हैं, गंदगी मचाते हैं। बस उन्हीं लोगों की वजह से क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गार्बेज इधर उधर फेंकना रोकना होगा, देश को साफ करना होगा। नेक्स्ट मिशन हमारा है क्लीनलीनेस और हम कोशिश करने वाले दिल्ली में जितना भी कूड़ा है उसको उठाने की। आई नो अकेला मैं कितना ही उठा पाऊंगा, जितना ज्यादा हम उठाने की कोशिश कर सकते हैं मैं करने वाला हूं, बट वो कहते हैं ना एक से भले दो और दो से भले 200। हमारे पास थे टोटल 200 वॉलंटियर्स जिसमें से 60 वर विद मी एंड बाकी लोगों को हमने भेज दिया था दिल्ली के दूसरे एरियाज को क्लीन करने के लिए। बिफोर हमने देख लिया, आफ्टर हमारे को बिल्कुल क्लीन चाहिए, हो जाएगा पक्का? चलो लेट्स गो। सो हमने स्टार्ट किया सारे प्लास्टिक रैपर्स एंड बॉटल को कलेक्ट करने से एंड हमने सारा वेस्ट बैग में फुल कर लिया जिसका टोटल 100 केजी से भी ज्यादा हो गया था, वो भी सिर्फ एक घंटे में। इस लोकेशन से हमने जितना भी प्लास्टिक था वो सारा उठा लिया, पत्तों को उठाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पत्ते नेचर को एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, तो प्लास्टिक हमने जितना भी था सारा उठा लिया, अब हम यहाँ पर डस्टबिन प्लांट कर रहे हैं, तो आई होप अब जो भी यहाँ लोग रहते हैं उस चीज को मेंटेन करें। इससे पहले कि हम जाते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, वी डिसाइडेड कि हम एक क्लीनलीनेस ड्राइव चालू करेंगे जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करेंगे सफाई करने के लिए। घर में ना मैदान में, घर में ना मैदान में, जो भी ऊपर से सुन रहे हैं ना घर पे ना मैदान में, मैदान में। And with this message, हमने क्लीन करी अपनी सेकेंड लोकेशन एंड वी कलेक्टेड अ टोटल वेस्ट ऑफ 300 kgs। अब वो कूड़ा दोबारा ना फैले इसके लिए हमने डिफरेंट एरियाज में डस्टबिन भी प्लांट कर दिए फॉर अ सेफ डिस्पोजल। ऐसा अपने भाई हैं, इनकी चौमिन की दुकान है और इनके यहाँ लोग कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं क्योंकि इनके पास डस्टबिन है नहीं इसका प्रॉपर यूज करना। एंड विद दिस वी प्लांटेड 600 डस्टबिन इन टोटल। सैनिटेशन, आज भी लोग पब्लिक वॉशरूम में जाने से घबराते हैं क्योंकि अगर एक प्रॉपर सैनिटेशन ना हो, अच्छी टॉयलेटरीज ना हो, तो बहुत सारे डिजीज फैलते हैं, लाइक यूटीआई, कॉलेरा और भी बहुत सारी चीजें। शौचालय बनवाई है, आज तक यहाँ दर्शन करने नहीं आई है, ऐसी गंदगी है, कोई यहाँ पे बैठने दो, पूरा हाल है, क्या हाल है, लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यार इन टॉयलेट्स की हालत देख के मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि क्यों इनके लिए काम नहीं किया जा रहा, मतलब इनकी हालत देखो, यूरिन ओवरफ्लो कर रहा है, चीजें इतनी खराब है, तो मैं अपने एंड पे क्या कर सकता हूँ, एक दिन का सीएम नायक फॉर वन डे, मैं इनकी जगह इंस्टॉल करूंगा नए टॉयलेट्स। आप अगर नए टॉयलेट डालोगे उससे बहुत फायदा होगा हम लोगों को, पब्लिक के लिए, आपके लिए बहुत होगा, धन्यवाद। तो बस फिर हमने ऐसा ही किया,
ओके, तो वॉशरूम्स यहाँ पर उतर रहे हैं और हमारी काउंसलर जी के यहाँ से जो यहाँ पर हेड कर रहे हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि कल तक इनके कनेक्शंस भी लग जाएंगे और बाकी जो वॉशरूम्स हैं वो रेनोवेट होने भी चालू हो जाएंगे। आई होप जो यहाँ पर लोग हैं वो खुश हुए इस चीज को देखकर, और ये हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ पर जो भी हेड कर रहे हैं उनसे भी कि भाई जो भी वॉशरूम्स हो रहे हैं उनकी साफ सफाई टाइमली हो, मेंटेन हो, क्योंकि हम नए लगा सकते हैं बट लोगों की ड्यूटी है उसको मेंटेन करना, साफ करना, फ्लश करना, क्लीन करना। काफी इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी ये वॉशरूम बनाने के लिए। एक एक वॉशरूम हमारा 50,000 रुपए का बना है और ऐसे बहुत सारे वॉशरूम्स हम प्लांट करने वाले हैं। तो जब अभिषेक ने मेरे को अपनी इस वीडियो का आइडिया बताया, उसने बताया कि वो कितना अच्छा काम वो भी ऑन फील्ड जाके एक्चुअली करने वाला है, टॉयलेट्स लगाने वाला है, प्लांट्स लगाने वाला है, फूड भी डोनेट करने वाला है, तो मुझे लगा व्हाई नॉट हम भी इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट बने। तो जब अभिषेक बिग बॉस में था एंड जितनी भी चैरिटी स्ट्रीम्स हुई थी तब हमने ऑलमोस्ट 3,50,000 रुपए रेस किए थे थ्रू चैरिटी स्ट्रीम्स, एंड मैंने सोचा क्यों ना उस अमाउंट को थोड़ा सा और इंक्रीज अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन डाल के 5,00,000 रुपीज ट्रिगर्ड आर्मी की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन भी इस वीडियो के टुवर्ड्स जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे वो काम हो पाएगा। तो वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड के ऑन फील्ड वो पैसा जो है वो यूटिलाइज होगा एंड किसी नीडी को जिसको जरूरत होगी उसकी एक्चुअली भी हेल्प हो पाएगी। अभी तक यहाँ पर जो वॉशरूम है वो बस मतलब एक पिट है, होल उसी के अंदर कर रहे हैं, प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। आई होप इसका अच्छे से यूज हो। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे सेक्टर 11 बालाजी श्री श्याम मंदिर, और इसके पास एक गार्डन है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, और जब पेपर्स होते हैं तो सारे बच्चे जो आते हैं वो यहाँ पर वॉशरूम की सर्च में आते हैं बट उनको मिलता नहीं है, और गार्डन में भी लोग घूमने आते हैं तो देयर इज लाइक नो वॉशरूम हियर और ओपन में उनको करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर दो वॉशरूम इंस्टॉल करने वाले हैं, एक मेल एक फीमेल। आई होप जो भी लोग आएंगे वॉशरूम यूज करेंगे उनको मतलब ऐसा रहेगा अरे अभिषेक भाई ने वॉशरूम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। इंसान ने हमारे दो टॉयलेटों की सुविधा दी है, टॉयलेट बहुत अच्छा लगा जी, इसकी बहुत ही जरूरत थी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ यार मम्मी, क्यों बार बार कॉल करते हो, आपको एक बार बोल दिया ना। हाँ मेरे को मत करा करो फिर कॉल। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और इसी वजह से दिन ब दिन ओल्ड एज होम्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं डेफिनेटली ऐसे बात नहीं करता अपने घर वालों से। मेरी एक ही डॉटर वो अब कनाडा शिफ्ट कर गई है, मैं अकेला था तो मैंने यहाँ शिफ्ट किया। I'm not getting the love and respect from them, so I left that place. एक बेटे का छोटा बेटा जिसके साथ रहती थी, एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो उसकी वजह से वो नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, बेटी घर में रहना नहीं चाहती। So यही थी स्टोरी इस ओल्ड एज होम में रहने वाले कुछ सीनियर सिटीजन की, जिनके साथ आज हम अपने कुछ घंटे स्पेंड करने आए हैं। अभिषेक अगर आया है तो यहाँ पे हम तो अपने आप को बड़ा वो समझ रहे हैं, थैंक्स कि वो बच्चे बच्चा हमें देखने के लिए आया है। हर हर महादेव। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नीले गगन तारे। वाह 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 वाह। कंबल देने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर लोगों को इंडिविजुअल कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो बस मैंने डिसाइड करा मैं सबको दूंगा पर्सनल इंडक्शंस, एंड ये देने के बाद हमने उनको कर दिया बाय बाय। दिन ब दिन राशन का रेट बढ़ी जा रहा है, कोई चीजें जो पहले 8 रुपए की होती थी आज वही चीजें 80 रुपए की है, और आम आदमी की तनख्वाह वो तो वही है, वो तो कभी नहीं बढ़ रही। तो बस हमने लिया एक इनिशिएटिव जिसमें हम हर राशन की चीज को बांटने वाले 1 रुपए की एक दिन की। ओके, तो नेक्स्ट मिशन हमारा है दिल्ली की जगहों पे जाके 1-1 रुपए में राशन बांटना। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हमने अपने बंदे छोड़ दिए जो शोर से भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। शोम भैया की दुकान पे जैन प्रोविजनल स्टोर, एंड यहाँ हम देने वाले हैं सब कुछ 1 रुपए में, और 1 रुपए में राशन बेच रहे हैं, और हम यहाँ पर आ गए पूरा टेम्पो भर के, आ जाओ ये लो बांटना चालू करो। आप लोग सोच रहे होंगे हम ये 1 रुपए क्यों ले रहे थे, तो इसका मेन मोटिव यही था कि हम इनको वो फीलिंग दे कि उनको सामान फ्री में नहीं मिल रहा बल्कि उनकी हार्ड एंड मनी से मिल रहा है। बट यहाँ पर जिस हिसाब से क्राउड इकट्ठा हो रहा है और बच्चे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं 1 रुपए में कोई चीज दूंगा, मुझे लगता है यहाँ तो फ्री में देना पड़ेगा, वहां पर 1 रुपए में बिक रहा होगा। आई हैव बीन द बिगेस्ट एडवोकेट कि हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी कदर करना चाहिए, क्योंकि 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं है। बस हमने ये डिसाइड करा आज की वीडियो में हम जितना उनके लिए कर सकते हैं हम उनके लिए करेंगे। सीएम बने 24 घंटे के लिए, उनको छोटी छोटी खुशियां जरूर दें। अब हम आ गए यहाँ पर अशाल्यम, अब हम अंदर जाने वाले और बच्चों को सरप्राइज करने वाले, तो लेट्स गो। हेलो, कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पर? फर्स्ट।
फर्स्ट टू ट्वेल्थ, तो फिर हम आप लोगों के लिए ना बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। चलो पेश करो, सबके लिए गिफ्ट्स लाओ भाई। इतने सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, कुछ ऐसा वैसा ना देकर हमने डिसाइड करा कि हम उनको देंगे कुछ ऐसी चीजें जो उनकी लाइफ में वैल्यू एड करे, लाइक बुक्स, स्टेशनरी, क्लोथ्स, बैग्स एंड मेनी मोर। पढ़ाई लिखाई करके क्या बनेगा? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा बड़े होके? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, तो मैं बता रहा हूँ जासूस भैया ना क्रिमिनल है, इनको पकड़ लेना। ओहो भाई, एंड में इसने तो फ्लिप मार के एकदम शो जीत लिया। वेरी गुड वेरी गुड। काफी टाइम बाद मैं स्कूल आया हूँ और मतलब इन लोगों को देख के मेरे को इतना खुशी सी हो रही है। और जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे को अपने स्कूल की याद आ रही है, एकदम थ्रोबैक सा हो गया है। और इतनी सारी चीजें देने के बाद लाइक हम इनके लिए टी शर्ट्स लाए हैं, शूज लाए हैं, स्केच पेन, क्रॉन्स, नोटबुक्स और ये सारी चीजें देख के मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एजुकेशन वाइज किसी की हेल्प कर सकता हूँ। एंड आई वॉन्ट कि ये लोग और पढ़े और बढ़े, कि यू नो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। तो जाने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अमूल्य जी को और सर को, क्योंकि इन्हीं की वजह से लाइक ये जो अशाल्यम कहते हैं हम इसको, ये वर्क हो रहा है, ये फादर है, ये ब्रदर है और ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, जो आप कर रहे हो भगवान का काम है, और कभी भी कोई जरूरत हो आप कॉन्टैक्ट अस। बाय बाय, इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं बताना चाहता दैट आई कैन बी अ बेटर सीएम, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं दैट एवरीवन कैन बी अ सीएम इफ वी स्टार्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। And to add extra more value to the project, we also donated some extra trees to an NGO to plant. जैसे हम पेड़ लगा रहे हैं, मामा अर्थ ने भी aim करा कि 2025 तक वो 1 million trees लगाएंगे। मामा अर्थ available है Amazon, Nike, Flipkart and stores near to you. Use my coupon code FUKRE 2023 to avail 20% off on the products.